जहां पूरे भारत को इंतजार है कि टीम इंडिया नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर देश को खुशी का मौका दे। उससे पहले भारत के हिस्से में खुशियां आ गई है। जी हां, महिलाओं के इतिहास में महिलाओं ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे धूल चटाई और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सद्दिका मनोहर सोनी। भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना डंका बजाया है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। दरअसल आईबीएस वर्ल्ड गेम्स में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला बर्मिंगम में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने कंगारुओं को हराकर गोल्ड जीता है। दरअसल आईबीएस वर्ल्ड गेम्स में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया। इसी तरह भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 9 ओवर में 8 विकेट पर 114 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 3.3 ओवर में 1 विकेट पर 43 रन बनाए। लेकिन इसके बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम को बेहतर नेट रन के कारण विनर चुना गया है। भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल ट्विटर पर लिखा, आईबीएस विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। एक स्मरणीय उपलब्धि है जो हमारे महिला खिलाड़ियों की अदम्य भावना और प्रतिभा का उदाहरण है। भारत को आप पर गर्व है। वही इसके अलावा आईबीएस वर्ल्ड गेम्स में भारतीय मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अब फाइनल में भारतीय मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी। बहरहाल भारतीय फैंस को वुमेन्स टीम के बाद मेंस टीम से गोल्ड की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले आईबीएस वर्ल्ड गेम्स के लीग मुकाबले में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हराया था। इसी तरह भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर लीग मैच में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। महिला टीम ने तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना काम कर ही दिया है। अब नजरें सबकी पुरुष टीम पर है, जो खुद फाइनल में पहुंची है। पुरुष टीम का सामना कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है। ऐसे में भारतीय फैंस को यही उम्मीद होगी कि भारतीय पुरुष टीम भी गोल्ड मेडल जीतकर देश लौटे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।